की व्याख्या हम नहीं करेंगे, पर उनका उच्चारण करने का लोभ हम त्याग नहीं सकते। उनका जरूर हम उच्चारण करेंगे, आप लोग भी बहुत भाव से श्रवण करें, अर्थानुसंधान करें। क्या कहा महर्षि वाल्मीकि ने, सुनहु राम अब कहऊ निकेता, जहां बसऊ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुहग सरनाना, भरहि निरंतर होइ न पूरे, तिनके ही गुण कहूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, निज रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल कोहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जिनके कान समुद्र के समान हैं, आपकी पवित्र कथाएं वो गंगा यमुना सरस्वती आदि पवित्र नदियों के समान हैं, और जिनके श्रवण समुद्र के समान हैं, निरंतर कथा श्रवण करते रहने पर भी जिनको तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति बनी रहती है, ऐसे कथा रस रसिक उनका हृदय आपका निज निवास स्थान है, वहां आप रहिए। ये है महाराज जी कथा रसिक, कथा रसिकों के हृदय में रहो। अब दूसरा रूप रसिकों के हृदय में रहो। हाँ, जिनके नेत्र चातक बने हुए हैं, और प्रिया लाल जी का जो स्वरूप है वो जलधर के समान है, और रूप सुधा सिंधु वो स्वाति के एक बूंद जल के समान है। चातक जो है गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का भी जल नहीं पीता, अमृत का सरोवर उसके सामने उपस्थित हो जाए तो उसका भी वो जल नहीं पीता, किंतु एक बूंद स्वाति के जल की उसकी चोंच में पड़ जाए तो वह पुलकित तो हो जाता है। ऐसे ही युगल प्रिया लाल से उत्कृष्ट कुछ भी कोई कह दे संसार में, उसकी ओर स्वप्न में भी जिसकी दृष्टि न जाए, चातक की तरह एकमात्र अपने आराध्य युगल सरकार की रूप सुधा स्वाति की एक बूंद की पिपासा जिसके भीतर निरंतर बनी रहे, ऐसे रूप रस रसिक चातक जो रसिक प्रेमी है उनका हृदय आपका निज निवास स्थान है। अग्रस्वामी जी के शब्दों में महाराज जी, वो भी रूप रसिक को चातक कह रहे हैं अग्रस्वामी जी, कहां चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समा, श्याम और गौर कांति की हिलोरें रूप सुधा सिंधु में उठ रही है,
और रसिक प्रेमी वो चातक हैं। वो चाहता तो चातक यही है कि पूरा रूप सुधा सिंधु स्वाति, रूप सुधा स्वाति सिंधु, मैं पूरा का पूरा पी जाऊं। लेकिन कहां चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समाए, इतना कण कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पाए। ऐसे रूप रस रसिकों के हृदय में आप निवास करो। तीसरा आपका निवास स्थान क्या है? बोले जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी, जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे के सखी सुख के अधिकारी। स्वामी जी के चरित्र में नाबाजी और अग्रदेवाचार्य जी के चरित्र में रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा धर, झड़ी लगी हुई है निरंतर। युगल नाम, युगल नाम, रोम रोम से युगल नाम निकल रहा है। और उसका परिणाम क्या है? निरंतर श्री किशोरी जी का, रघुनाथ जी का रसमय विलास उनके नेत्रों के सामने प्रकट होता है। ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, बड़ा प्यारा पद है गोस्वामी। जगत मातु सखिन संग बिहरत बहु करत रंग, जगत मातु सखिन संग बिहरत बहु करत रंग, अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी, नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान। लगता सारा स्वर संगीत किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि से ही प्रकट हुआ। इसलिए नाम रस रसिकों के भीतर आप रहो। मेरी विनम्र प्रार्थना है, हमको प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है, इसलिए क्योंकि हम भजन शून्य व्यक्ति हैं। नामानुराग की गंध भी हमारे भीतर नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार निवेदन कर रहे हैं अपने आप से भी और आप सबसे भी कि आपको कुछ भी अच्छा न लगता हो, आपके अंतकरण की चाहे जैसी दुर्दशा हो, चाहे जैसी स्थिति आपकी हो, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, आप नाम के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर दीजिए। जो भी गुरुजनों ने आपको नाम प्रदान किया है उसके जप में लग जाइए, अपने आप सब कुछ प्रकट हो जाएगा, बिना चाहे सब कुछ मिल जाएगा। और नाम का आश्रय नहीं लेंगे तो ऐसे ही छूछा जीवन चला जाएगा। जसु तुम्हार मानस विमल हंस निजी हाजासु, मुकुता हल गुन गन चुने राम बसहु ही तासु, राम बसहु ही तासु। आप उसके हृदय में निवास करो। और कहां रहे? प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहरी नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीश नवहि सुर गुरु द्विज देहि, करनित करही राम पद पूजा, राम
भरोस हृदय नहीं दूरा चरण राम तीर्थ चल जाए राम बसौ दिन के मन माए मंत्र राज मित जपहि तुम्हारा वेदाचार्य जी तर्पण होम करही विधि नाना पिप्र जीवाय देही बहुदाना। आखिरी बात तुम ते अधिक गुरु जी जानी तुम ते अधिक गुरु जी जानी सकल भाई सेवनी सन्मानी सकल भाई सेवनी सन्मानी सकल भाई सेवनी सन्मानी। जिनकी नाशिका आपके चरणों में अर्पित तुलसी पुष्प की सुगंध लेती है, आपके प्रसाद की दिव्य सुगंध को जिनकी नासिका ग्रहण करती है, जो आपका ही अधरामृत प्रसाद लेते हैं, अनवेदित वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, आपके ही प्रसादी वस्त्राभूषण भी धारण करते हैं, ब्राह्मणों को गुरुजनों को संतों को देखकर जिनका मस्तक झुक जाता है, देवताओं को जो वंदन करते हैं और जो राम जी के चरण कमलों की भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, जिनके चरण भगवान के श्रीधाम वृंदावन अयोध्या चित्रकूट आदि पवित्र तीर्थों में जिनके पैर चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में रहो, जो निरंतर आपके मंत्राज का जप करते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, होम करते हैं और जितनी शास्त्रीय विधि हैं उनका निर्वाह करते हैं, ब्राह्मणों को समय समय से भोजन भी करा के दक्षिणा भी देते हैं, बहुदाना और अंतिम बात है तुमते अधुक गुरु जिए जानी, अपने मन में जिए जानी। महाराज जी जिए जानी का अर्थ क्या है? अब देखो एक बात है, घनश्याम दास जी अभी अपने मन में सोचें कि तुमते अधिक गुरु जिए जानी, अब ठाकुर जी को भोग लगाना बंद कर दें, पहले कहें गुरु जी खाएंगे बाद में ठाकुर जी को देंगे, गुरु जी राजी होंगे? जिए जानी, इनको मन में ये बात रखनी है कि ठाकुर को हम कहाँ जानते थे, न ठाकुर को जाने, न ठकुरानी को जाने, न वृंदावन को जाने, न अयोध्या को जाने, ये सब जनाया है श्री गुरुदेव भगवान ने। इसलिए सहजोवाई का एक वाक्य है, गुरु न तजू हरि को तज डारू। ठाकुर जी प्रकट होकर कहें कि गुरु गोविंद दो हैं, एक का चुनाव कर लो, ले आपकी जहां इच्छा हो घूमो फिरो, गुरु जी को नहीं छोड़ सकते, क्यों? हम तो आपको जानते तक नहीं थे, आपको जनाया किसने? गुरु जी ने जनाया। हृदय में इस बात को पक्की तौर पर अनुभव करना है कि गुरु तत्व भगवत तत्व से भी उत्कृष्ट तत्व है, लेकिन भीतर से गुरु में गोविंद से अधिक भाव रखते हुए भी प्रकट में गुरु भी गोविंद के दास ही हैं, भक्त ही हैं, इसलिए प्रकट में पूरी मर्यादा बना करके रखनी है। अब जो ठाकुर जी के साथ होगा वो करेंगे गुरु जी के साथ? तो मोते अधिक गुरु जिए जानी, जिए जानी हृदय में ये जानना है, और सकल भाई से वही सन्मानी सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। और इसके फल स्वरूप मांगते क्या है कि पूरा भक्ति योग है महाराज जी, इन चौपाइयों में हरि गुरु संतों की सेवा, ये पूरा भक्ति योग है।
फल क्या है? सब कर मांगहिं एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। काम को मद मान न मोहा, लोभ न छोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघु राया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी से प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाण गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी जन जानी पर नारी, धन पराव विष से विषवारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषे। नहीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखापि तुम्हारु गुर, जिनके सब तुम था, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सरित दुखा। अब गुण तजी सबके गुण गई, विप्रधेनु हित संकट सही, विप्रधेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन कै जग लीका, कर तुम्हार दिन कर मनुनीका। गुण तुम्हार समझई निज दोसा, जेहि सम भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जे, तेहुर बसहु सहित वेदेहि। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रहै उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघु राई। सर्ग नरक अपवर्ग समाना, वचन मन राउर चेरा, राम करउ ते के उर डेरा। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु, सो राउर निज के। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तन तुम्हार सब भांति सुपासु। सीताराम 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 सीताराम। Oh,